सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ नई रिएक्शन वीडियो लेके। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा। मेरे मन में तो है ही, लेकिन आप सभी के मन में होगा, जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों है। सो टाइटल है कि Why Muslims wear burqa, hijab, मतलब वो क्यों पहनते हैं, क्यों वेयर करते हैं। मैंने मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो मतलब बुरखा पहनती हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों पहनती हैं, इसका क्या रीज़न रहा होगा। ये बहुत टाइम से हमारे मन में क्वेश्चन होगा, जब से हमने देखा है, चाहे जो मर्जी हो सभी के मन में ही क्वेश्चन होगा ही। सो जिन जिनको ये आंसर जानना है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। एंड वीडियो मुझे मिली है रमशा सुल्तान ऐसे करके कोई चैनल है वहाँ से, एंड आज हम जो है इसका रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है सब, बेसिकली क्या रीज़न है ना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं ये जानने के लिए। उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो जिसने नहीं करा है, एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप फॉलो वगैरह कर सकते हो और कर भी लो जाके। सभी चलिए सुनते हैं रीज़न बिहाइंड बुर्का। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुर्का क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम विमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं, और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव के एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है, तो हम अपने बाल भी ढकते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वेमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुस्लिम वुमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुरखा ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडर्न ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो, सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम वुमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وليضربن بخمرهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इज कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामुओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। ये चीज अच्छी है। दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं, अदरवाइज वी चिल आउट एट होम।
Another very common question जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेजॉरिटी मुस्लिम विमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं. बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेस हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए. उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी. एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ऑप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड. और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते. जब इंसान खुद सोच कर समझ कर इसको एक्सेप्ट करता है, तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है. जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती. Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुरखा पहनना जरूरी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए. अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप वो ड्रेस पहनिए. जरूरी नहीं कि आप बुरखा ही पहने. ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुरखा वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर. तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मेजॉरिटी वेमेन एक ब्लैक बुरखा पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है. बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस. हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन. ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता. ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है. So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं. तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे. एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं. Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है. They are generally very confident women and they are very respectful. हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी. जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं. दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स. इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस देन एनीवन एल्स. मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम विमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया में शो किया जाता है. जरूरी नहीं कि वो सही हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए. इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा. जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी.
स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के। तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज की कमी है हमारी कंट्री में, एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन हिजाब ब्रांड ramshasultan.com, जहां पर हर तरीके के, हर कलर में, हर वैरायटी के हिजाब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए, तो आप वीडियो में यहीं तक ही देखते हैं, क्योंकि आगे उन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है। सो रमशा सुल्तान करके ऐसे हैं, अच्छा इनका यूट्यूब चैनल भी है खुद का, और मतलब ये जो है इन्होंने बताया भी है कि क्यों जो है पहना जाता है। सो सभी के सभी जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर हमें बहुत अच्छे से मिल चुका है कि ऐसा क्यों होता है। सो उनके मतलब जो कुरान है, होली बुक है, उसमें लिखा गया है कि मतलब आपको ऐसे जो है रहना पड़ता है, मतलब सारा हेड कवर करके सिर्फ फेस जो है दिखना चाहिए, यहाँ तक जो है कवर होना चाहिए, एंड सिर्फ नीचे जो पैर हैं वो दिखने चाहिए। तो उनका मतलब ये वो है। सो हम सब सोचते थे कि ये ब्लैक ही क्यों पहनती हैं, तो मतलब मेजॉरिटी वुमेन्स, ऐसे उन्होंने बताया कि होता है जैसे एक कलर में पहना तो वो पहन लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कलर उनके लिए बताया है, जिस मर्जी कलर में वो पहन सकती हैं बुरका जो होता है, और जैसे जब वो नमाज़ पढ़ते हैं या फिर जाते हैं कहीं, तो उनको जो है वहाँ पे दुपट्टा लेना पड़ता है सर पे। एंड मेन क्वेश्चन ये था कि ये भी था कि घर में वो मतलब पहन के रखती होंगी हर टाइम, मतलब हर टाइम कवर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अपना अपना वो है, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा। सो उन्होंने जो है इसका आंसर दे दिया कि नहीं, हमें घर में जो है पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बाहर नहीं पहन सकते कि जिससे हमारा निकाह होता है उसके सामने, तो किससे भी हो सकता है, अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो आपको क्या पता कि किससे होने वाला है। सो ये थे एंड कुछ क्वेश्चन थे हिजाब और बुरखा के बारे में जो हमें पता चल गए, एंड होप सो कि आपको भी आंसर मिल गए होंगे इसका, मिल गए होंगे इसके। सो ये थी वीडियो, होप सो यू लाइक इट, एंड लाइक आई होगी, पसंद आई होगी, तो ज़रूर वीडियो को शेयर आप लोग करें, एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें चैनल को। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।